हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में जो वर्ल्ड कप का मैच खेला जाने वाला है उसके बारे में। और ये वाला मैच एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में 20 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे खेला जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस पिच पर ये मैच खेला जाएगा वो पिच कैसा है, यानी वो पिच किसको सपोर्ट करता है, उस पिच पर बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है या बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, फास्टर बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है या स्पिनर बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ट्रंप खिलाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर लोग फोकस ही नहीं कर रहा है, यानी लोग उन खिलाड़ी को अपने टीम में ले करके ही नहीं चल रहा है। लेकिन वही खिलाड़ी आज के मैच में आपको मेगा ग्रैंड लीग विनिंग करवा सकता है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं और इस वीडियो में मैं आपको इस मैच का स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों का स्पेशल प्रिडिक्शन देने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप आसानी से देख लो। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसी के नीचे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा यहां पर। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। अब यहीं पर आपको ज्वाइन टेलीग्राम चैनल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करोगे ना, डायरेक्ट आप इस टेलीग्राम चैनल में आ जाओगे और नीचे में आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है। अब यहां पर मैं आपको ज्वाइन होने के लिए क्यों बोल रहा हूं ध्यान से समझना, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल में मैं आपको हर एक मैच का 100% फ्री में टीम देता हूं, चाहे वो स्मॉल लीग का टीम हो या ग्रैंड लीग का टीम हो। और इस मैच का भी फाइनल टीम टॉस के बाद इसी टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएगा। अब यहां पर हम सिंपली बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, यानी जिस पिच पर यह मैच खेला जाएगा वो पिच कैसा है, वही हमको समझना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीम बनाने के लिए। तो अभी तक इस पिच पर टोटल 38 ओडीआई मैच खेला गया है, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 14 मैच को विनिंग किया है और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने 20 मैच को विनिंग किया है। यानी इस पिच पर ना चेस करना काफी आसान होता है, यानी जो टीम फर्स्ट में बॉलिंग करती है उसका जीतने का चांस काफी आसान होता है, लेकिन उतना भी आसान नहीं होता है। तो यहां पर चाहे फर्स्ट में बैटिंग कर लो या सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर लो, आपका जीतने का चांस रहेगा। लेकिन हाँ, जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है उसका थोड़ा ज्यादा होता है जीतने का चांस। तो इस मैच में जो टीम टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगा। अगर विकेट का बात करें तो अभी तक टोटल फास्टर बॉलर ने 40 विकेट लिया है और स्पिनर बॉलर ने मात्र 23 विकेट। तो फास्टर बॉलर कहीं ना कहीं बहुत आगे है। तो आज वाले मैच में फास्टर बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब स्पिनर ऐसा नहीं है कि स्पिनर बॉलर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगा ना, उसका स्पिनर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका स्पिनर टीम में ले करके चलना। अगर एवरेज स्कोर का बात करें तो 207 का एवरेज स्कोर रहता है, उतना कोई खास आपको दिखेगा नहीं। लेकिन हाँ, बैटिंग पिच आपको यहां पर देखने को मिलेगा और दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है, तो आसानी से इस मैच में आपको 250 से 300 स्कोर आपको देखने को मिलेगा इस पिच पर। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं दोनों टीम का प्लेइंग 11 के बारे में जो इस मैच में रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 जो इस मैच में रहेगा। तो मिचेल मार्श और डेविड वार्नर इस मैच में आपको ओपनिंग करता हुआ दिखेगा। उसके बाद स्टीवन स्मिथ, मार्नस लबुसचेन, जोस इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जंपा और जोस हेजलवुड। तो ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 इस मैच में रहने वाला है।
आप आसानी से देख लो। अगर बात करें पाकिस्तान का प्लेइंग 11 जो इस मैच में रहेगा, तो अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ओपनिंग करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर अपडेट थोड़ा ये आ रहा है ना कि अब्दुल्ला शफीक इस मैच में नहीं खेलेगा। इसका रीजन क्या है, ये थोड़ा बुखार से पीड़ित है, लेकिन अगर सही हो जाता है तो आपको खेलता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी अपडेट यही आ रहा है, अगर अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलेगा ना, तो फक्कर जमान आपको ओपनिंग करता हुआ दिखेगा इमाम उल हक के जगह पर। समझ में आ चुका है? तो अब्दुल्ला शफीक के जगह पर आपको सिंपली फक्कर जमान मैच में खेलता हुआ दिखेगा। उसके बाद नंबर 3 पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शोर शकील, इफ्तिखार अहमद, सदाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हरी श्रॉफ। तो ये पाकिस्तान का प्लेइंग 11 इस मैच में रहेगा, आप आसानी से देख लो। अब यहां पर मैं आपको सब कुछ एक एक करके डिटेल में बताता हूं कि किस प्लेयर को स्मॉल लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, कौन सा प्लेयर ट्रंप प्लेयर रहेगा मेगा जीएल में, किसको ड्रॉप करके चलना है, अब सब कुछ आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन में। तो विकेट कीपर वाले सेक्शन में आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोस इंग्लिश दिखेगा और पाकिस्तान की तरफ से आपको मोहम्मद रिजवान दिखेगा। अगर जोस इंग्लिश का रिसेंट फॉर्म देखोगे ना तो काफी सही है और पिछले मैच में ही 58 रन का पारी खेल करके आ रहा है और हेड टू हेड में एक मैच खेला है, 48 रन बनाया है और 48 का एवरेज है। तो जोस इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा जीएल में, क्योंकि इसका सिलेक्शन इस मैच में ना बहुत कम रहेगा, लेकिन मेगा जीएल का टीम बनाते हो, मेगा जीएल खेलते हो, तो जोस इंग्लिश को अपने टीम में ले करके चलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको स्मॉल लीग में लेने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर बात करें मोहम्मद रिजवान का, तो रिसेंट फॉर्म देखो, 49, 131, 68, 103, 86, क्या तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है हर एक मैच में और 10 मैच में 315 रन और 31.5 का एवरेज है हेड टू हेड में। तो मोहम्मद रिजवान आपके लिए मस्ट पिक बनेगा और इस मैच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सी एंड बीसी के लिए। तो मेरे टीम में विकेट कीपर वाले सेक्शन में मैं सिंपली मोहम्मद रिजवान को लेकर के चलूंगा और जोस इंग्लिश को मेगा जीएल में ट्राई करना काफी बेहतर ऑप्शन रहेगा। अब यहां पर मैं आपको सिंपली स्पोर्ट्स बाजी के बारे में बता देता हूं। अगर आप फैंटेसी खेलते हो और अगर आपको स्पोर्ट्स बाजी के बारे में पता नहीं है ना, तो आप फैंटेसी में बहुत पीछे हो, क्योंकि स्पोर्ट्स बाजी एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जो आपका पूरा जीएसटी खुद पे करेगा। और इतना ही नहीं, इस वर्ल्ड कप में स्पोर्ट्स बाजी आपके लिए 30 लाख का गारंटेड इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड लाया है। यानी इस वर्ल्ड कप में जितना आप फैंटेसी स्पोर्ट्स बाजी पर खेलोगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपके रैंक को डिसाइड किया जाएगा। और अगर आप रैंक 1 में आते हो ना, तो आपको 5 लाख का कैश प्राइज मिलेगा, जो काफी बड़ा अमाउंट होता है। और साथ ही साथ अगर स्पोर्ट्स बाजी में फर्स्ट टाइम मिनिमम से मिनिमम 100 रुपये डिपॉजिट करोगे ना, और डिपॉजिट करते समय एस बाजी कोड को यूज करोगे, तो आपको बाजीगर टिकट एकदम फ्री मिलेगा। यानी जो बाजीगर टिकट होता है ना, वो आपको एकदम फ्री मिलेगा, जहां पर आप फ्री एंट्री, आपको एक भी रुपया नहीं लगाना है और 50,000 विनिंग कर सकते हो। इतना ही नहीं, इस मैच में आपको स्पोर्ट्स बाजी 3 लाख का मेगा लीग दे रहा है। मेगा लीग तो सभी ऐप देता है, लेकिन कॉम्पिटिशन देखो मात्र 11,000 का। तो सोच लो आपका जीतने का चांस कितना ज्यादा रहेगा। समझ में आ चुका है? और मात्र 1 रुपया लगा करके 10,000 विनिंग कर सकते हो इस मैच में। तो जल्दी से जल्दी स्पोर्ट्स बाजी को डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, लॉगिन करते समय मेरा जो रेफर कोड है AKJohn, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको यूज करना, तभी आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर मिलेगा। समझ में आ चुका है? अब यहां पर मैं सिंपली आपको बैट्समैन वाले सेक्शन में बता देता हूं। तो बैट्समैन वाले सेक्शन में आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्स और डेविड वार्नर टॉप ऑर्डर में दिखेगा और आपको पाकिस्तान की तरफ से सिंपली अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक दिखेगा। अगर बात करें मिचेल मार्स का, तो मिचेल मार्स एक हिट एंड मिस टाइप का बैट्समैन है। अगर ये थोड़ा सा खेल गया ना, तो आपको 70-80 रन बना करके देगा, और अगर नहीं खेल पाया ना, तो 5-10 रन बना करके आउट हो जाएगा।
समझ में आ चुका है। तो आसानी से देख सकते हो पिछले मैच में आसानी से 52 रन का पारी खेल करके आ रहा है और हेड टू हेड में पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 मैच खेला है और मात्र 35 रन बनाया है और 12 का एवरेज है। तो मिचेल मार्स को ट्राई करना चाहो ना तो मेगा जीएल में ही ट्राई करना, और अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट में बैटिंग करेगा तो आप इसको स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग करते समय सही परफॉर्मेंस करता है मिचेल मार्स। अगर डेविड वार्नर का बात करें तो रिसेंट फॉर्म काफी सही है, लेकिन पिछले मैच में फॉल ऑफ हो गया, मात्र 11 रन बनाया था। उसके बाद हेड टू हेड में 7 मैच में 522 रन और 75 का एवरेज है, वेन्यू पर 2 मैच में 127 रन 63 का एवरेज। तो डेविड वार्नर आपके लिए एक मस्ट पिक बनेगा, इस मैच में आपको ले करके चलना है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में, और सी एंड बीसी का सबसे बेस्ट कंटेंडर भी रहेगा डेविड वार्नर। अगर बात करें अब्दुल्ला शफीक का तो रिसेंट फॉर्म इसका भी काफी जबरदस्त आपको दिखेगा, और हेड टू हेड में मात्र 1 मैच खेला है और 12 रन बनाया है, 12 का एवरेज है। तो अगर लेना चाहो तो सिंपली आप आसानी से मेगा जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, आपको परफॉर्मेंस करके देगा। अगर इमाम उल हक का बात करें तो इसका रिसेंट फॉर्म काफी सही है एक तरह से देखोगे, लेकिन कोई बड़ा पारी अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 8 मैच खेला है और 430 रन बनाया है और 54 का एवरेज है। तो इमाम उल हक आपके लिए एक मस्ट पिक बनेगा, अब्दुल्ला शफीक से भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा इमाम उल हक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इमाम उल हक सही परफॉर्मेंस करता है। अब यहां पर मैं सिंपली अपने टीम में डेविड वार्नर को लेकर के चलूंगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट में बैटिंग करेगा तो मैं सिंपली मिचेल मार्स को भी अपने टीम में लेकर के चलूंगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगा तो मैं मिचेल मार्स को ड्रॉप करके इमाम उल हक को ले सकता हूं अपने टीम में, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, मैं रिस्क भी ले सकता हूं। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मिथ और आपको मार्नस लबुशचेन दिखेगा, और पाकिस्तान की तरफ से आपको बाबर आजम अब्दुल्ला शफीक दिखेगा। अगर बात करें स्टीवन स्मिथ का तो रिसेंट फॉर्म आपको काफी सही दिखेगा, लेकिन पिछले मैच में फॉल ऑफ हो गया 0 रन बना करके, लेकिन हेड टू हेड में 7 मैच में 37 का एवरेज और वेन्यू पर 67 का एवरेज है। तो स्टीवन स्मिथ आपके लिए मस्ट पिक बनेगा, इस मैच में आपको ले करके चलना है, और सी एंड बीसी का भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और मैं इसको इस मैच में कैप्टन भी बनाने वाला हूं, और मेरा बीसी कौन होगा वो आपको अभी पता चल जाएगा जब मैं अपना फाइनल टीम दिखाऊंगा। अगर मार्नस लबुशचेन का बात करें तो ये आपको ना लगातार कंसिस्टेंट हर एक मैच में परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा अगर इसका बैटिंग आ जाएगा तो। देखो पिछले मैच में 40 रन, उससे पिछले मैच में 46 27 40 3, क्या तगड़ा परफॉर्मेंस करता है। 4 नंबर में भले ही बैटिंग करेगा लेकिन आपको हर एक मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके देगा, और हेड टू हेड में 4 मैच खेला है और 32 का एवरेज है और वेन्यू पर तो 54 का एवरेज है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट में बैटिंग करेगा ना तो मार्नस लबुशचेन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट बैटिंग में ना सही परफॉर्मेंस करता है। उसके बाद अगर बाबर आजम का बात करें तो इसका भी रिसेंट फॉर्म काफी सही है, 50 10 5 90 80, उसके बाद हेड टू हेड में ना 10 मैच खेला है, 678 रन बनाया है और 68 का एवरेज है, लेकिन वेन्यू पर एक भी मैच नहीं खेला है। तो बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, इसको ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना, आपके ओपोनेंट के टीम में रहेगा ये प्लेयर, समझ में आ चुका है। तो आपको ले करके चलना है, और आप सी एंड बीसी भी बना सकते हो, कैप्टन मत बनाना लेकिन बीसी बना सकते हो, वाइस कैप्टन बना सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर सोड शकील का बात करें तो बंदा 4 या 5 नंबर में बैटिंग करेगा, ठीक है, और हेड टू हेड खेला है 1 मैच में, मात्र 3 रन और 3 का एवरेज है, और रिसेंट फॉर्म कोई खास आपको दिखेगा नहीं, तो इसको ट्राई करना चाहो तो सिंपली आप मेगा जीएल में ही ट्राई करना सोड शकील को, अगर पाकिस्तान फर्स्ट में बैटिंग करेगा तब। अब यहां से मैं सिंपली करूंगा क्या, स्टीवन स्मिथ को अपने टीम में लेने वाला हूं और बाबर आजम को भी अपने टीम में ले करके चलूंगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट में बैटिंग करेगा तो मैं सिंपली मार्नस लबुशचेन को भी ले सकता हूं। अगर इसके लिए मुझे मिचेल मार्स को भी ड्रॉप करना पड़ाना तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन मैं मार्नस लबुशचेन को ले करके चलूंगा, क्योंकि ये बंदा हर एक मैच में कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस करके देता है, 30-40 रन आपको हर एक मैच में बनाता हुआ दिखेगा, तो काफी सही है। अगर बात करें ऑलराउंडर वाले सेक्शन में तो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में सिंपली आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस दिखेगा, और आपको पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिखार अहमद,
शादाब खान और आपका मोहम्मद नवाज दिखेगा। अब देखो ग्लेन मैक्सवेल का देखोगे ना तो रिसेंट फॉर्म काफी सही है, 31 रन 1 विकेट 3 रन 2 विकेट 15 रन 0 विकेट 77 रन 1 विकेट, यानी हमेशा ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा। और हेड टू हेड में ना 10 मैच खेला है, 53 का एवरेज है और 4 विकेट भी निकाला है और अभी तो फॉर्म में भी आ चुका है। तो ग्लेन मैक्सवेल आपके लिए मस्ट पिक रहेगा, इसको ट्राई करना और सी एंड बीसी का सबसे बेस्ट ऑप्शन भी रहेगा क्योंकि बंदा बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है। अगर मार्कस स्टोइनिस का बात करें तो इसका रिसेंट फॉर्म आपको कोई खास दिखेगा नहीं, ठीक है। और हेड टू हेड में 6 मैच में मात्र 18 का एवरेज है और मात्र 3 विकेट लिया है, वेन्यू पर 1 मैच खेला है, मात्र 15 रन बनाया है। तो मार्कस स्टोइनिस को मैं अपने टीम में लेकर के नहीं चलूंगा, अगर लेना चाहो तो आप मेगा जीएल में ट्राई कर सकते हो, बड़ा प्लेयर है, कभी भी परफॉर्मेंस कर सकता है। अगर बात करें इफ्तिखार अहमद का तो रिसेंट फॉर्म कोई खास आपको दिखेगा नहीं और अभी तो बॉलिंग भी उतना ज्यादा करेगा नहीं और हेड टू हेड में 3 मैच खेला है, 96 रन बनाया है, 32 का एवरेज है और प्लस में 2 विकेट भी निकाला है। तो इफ्तिखार अहमद आपके लिए मेगा जीएल का एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अगर पाकिस्तान फर्स्ट में बैटिंग करेगा तो इफ्तिखार अहमद को आप मेगा जीएल में ट्राई करके चलना। अगर शादाब खान का बात करें तो जितना बड़ा प्लेयर है ना उतना बड़ा अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, ना ही बैटिंग से और ना ही बॉलिंग से। हेड टू हेड में 1 मैच खेला है, मात्र 9 रन बनाया है और मात्र 1 विकेट निकाला है। तो शादाब खान को इसमें ड्रॉप करके भी चल सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग का एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपका काम है रिस्क लेना, आप मेगा जीएल खेलते हो तो शादाब खान को इस मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हो क्योंकि बंदा फॉर्म में नहीं है, ओके ना। अगर बात करें मोहम्मद नवाज का तो रिसेंट फॉर्म कोई खास नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको अभी ही बताता हूं मोहम्मद नवाज ना इस मैच में ट्रंप प्लेयर रहेगा क्योंकि इसका सिलेक्शन इस मैच में बहुत कम रहेगा, लेकिन आपको ये इस मैच में 2 या 3 विकेट निकालता हुआ दिखेगा और अगर पाकिस्तान फर्स्ट में बैटिंग करेगा तो इसका बैटिंग भी आएगा और आसानी से आपको 20 या 30 रन बना करके देगा। तो आपके लिए ट्रंप प्लेयर रहेगा मोहम्मद नवाज, यानी कि शादाब खान से भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका मोहम्मद नवाज। रिसेंट फॉर्म खास नहीं है लेकिन हेड टू हेड में 2 मैच में 51 रन है और 2 विकेट है और इस मैच में तो तगड़ा परफॉर्मेंस करेगा। तो शादाब खान को ड्रॉप करके मोहम्मद नवाज को अपने टीम में पिक कर सकते हो। अब यहां पर मैं सिंपली करूंगा क्या, ऑलराउंडर वाले सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल को और यहां पर मैं मोहम्मद नवाज को लेने वाला हूं, ना ही मैं मार्कस स्टोइनिस को लूंगा, ना ही मैं इफ्तिखार अहमद को लूंगा और ना ही मैं शादाब खान को लूंगा। मैं सिंपली 2 प्लेयर को लेकर के चलूंगा, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद नवाज। समझ में आ चुका है। अब यहां पर मैं सिंपली आपको स्पोर्ट्स बाजी का एक बेहतरीन फीचर बता देता हूं और वो है आपका स्टेट्स प्रो फैंटेसी। इसमें आपको मैच देखते देखते सिंपल सिंपल क्वेश्चंस का ट्रू और फॉल्स में आंसर करना होता है और यहां से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। जैसे कि इसी मैच में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ऑस्ट्रेलिया इस मैच को पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतेगा, क्या लगता है आपको ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? अगर आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतेगा तो प्ले नाउ पर क्लिक करके, ट्रू पर क्लिक करके अपना एंट्री लगा दो। और अगर आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा तो प्ले नाउ पर क्लिक करके, फॉल्स पर क्लिक करके अपना एंट्री लगा दो। तो इस प्रकार से आप मैच देखते देखते स्पोर्ट्स बाजी में सिंपल सिंपल क्वेश्चन का ट्रू और फॉल्स में आंसर करके पैसा कमा सकते हो। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और लॉगिन करते समय मेरा जो रेफर कोड है एके जॉन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको यूज करना, तभी आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर मिलेगा। अब यहां पर देख सकते हो स्पोर्ट्स बाजी में जो मेरा फेवरेट कॉन्टेस्ट है, जो मैं रोजाना खेलता हूं जिस कॉन्टेस्ट में, वो आप आसानी से देख लो स्क्रीन पर। यहां पर आपको 3 मेंबर वाला दिखेगा और इधर आपका हेड टू हेड वाला दिखेगा। तो यही मेरा फेवरेट कॉन्टेस्ट है और रोजाना मैं यही खेलता हूं और अच्छा खासा विनिंग करता हूं। तो आप भी ये वाला कॉन्टेस्ट खेल सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। और लॉगिन करते समय एके जोन कोड को यूज करना, तभी आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर मिलेगा। अब यहां पर मैं सिंपली आपको बॉलर वाले सेक्शन के बारे में बता देता हूं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस टॉप ऑर्डर में दिखेगा, पाकिस्तान की तरफ से हसन अली और शाहीन अफरीदी दिखेगा। अगर बात करें मिचेल स्टार्क का तो रिसेंट फॉर्म काफी सही है, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट और हेड टू हेड में पाकिस्तान के अगेंस्ट 6 मैच खेला है, 11 विकेट निकाला है। तो मिचेल स्टार्क आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा और अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट में बॉलिंग करेगा तो सी एंड बीसी का सबसे बेस्ट कंटेंडर भी रहेगा। अगर पैट कमिंस का बात करें तो रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और हेड टू हेड में पाकिस्तान के अगेंस्ट
आठ मैच में 15 विकेट, सोच लो 8 मैच में 15 विकेट है और वेन्यू पर 2 मैच में 1 विकेट है, तो पैट कमिंस भी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और ये प्लेयर ना बॉलिंग से तो आपको परफॉर्मेंस करके देगा ही, लेकिन अगर इसका बैटिंग भी आता है ना तो आपको बैटिंग से भी पॉइंट देता है, 20 या 30 रन आसानी से बना देता है, तो इसको कमबैक करके चलना काफी बेहतरीन प्लेयर है। अगर हसन अली का बात करें तो रिसेंट फॉर्म काफी सही दिखेगा और हेड टू हेड में 8 मैच में 13 विकेट है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और प्लस में 72 रन भी बनाया है, तो हसन अली आपके लिए एक मस्ट प्लेयर बनता है इस मैच में अगर पाकिस्तान फर्स्ट में बॉलिंग करेगा तब। अगर शाहीन अफरीदी का बात करें तो रिसेंट फॉर्म इसका क्या तगड़ा दिख रहा है, हर एक मैच में आपको 1-2 विकेट निकालता हुआ दिखेगा और हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4 मैच में 8 विकेट है, आप आसानी से देख लो सबसे सही परफॉर्मेंस है, तो ये आपके लिए एक मस्ट पिक बनता है शाहीन अफरीदी, इसको कम बैक करके चलना अपने टीम में। अब यहां पर मैं सिंपली करूंगा क्या, मिचेल स्टार्क को अपने टीम में लेकर के चलूंगा और शाहीन अफरीदी को भी अपने टीम में लेकर के चलूंगा, और अगर मुझे जरूरत होगा ना तो मैं सिंपली पैट कमिंस को भी अपने टीम में कम बैक करके चलूंगा। अगर बात करें एडम जंपा का तो रिसेंट फॉर्म काफी सही है और पिछले मैच में ही 4 विकेट निकाला था और हेड टू हेड में 11 मैच में 17 विकेट है, आप इजी से देख लो 11 मैच में 17 विकेट, क्या तगड़ा परफॉर्मेंस है, समझ मान चुका है, तो इसको लेना बनता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगा तो एडम जंपा आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बात करें जोस हेजलवुड का तो रिसेंट फॉर्म काफी सही है और हेड टू हेड में 5 मैच में 7 विकेट, तो जोस हेजलवुड से भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पैट कमिंस और एडम जंपा, समझ में आ चुका है, इसको ड्रॉप करके आप किसी और बॉलर के साथ जा सकते हो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अगर हरी श्रॉफ का बात करें तो इसका रिसेंट फॉर्म कोई खास नहीं दिखेगा लेकिन एक तरह से सही है, हर एक मैच में आपको 1-2-3 विकेट निकालता हुआ दिखेगा और हेड टू हेड में 4 मैच में 6 विकेट है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन इसका ना सेलेक्शन परसेंटेज इस मैच में बहुत कम रहेगा, एक हसन अली का और एक हरी श्रॉफ का, लेकिन मैं बोलता हूं इस मैच में ये दोनों प्लेयर आपको तगड़ा परफॉर्मेंस करके देगा, इसको मेगा जीएल के साथ साथ स्मॉल लीग में भी ट्राई करने का प्रयास करना। अब यहां पर मैं किसको लेने वाला हूं वो आपको अभी पता चल जाएगा, समझ में आ चुका है। अब यहां पर मैं सिंपली आपको फिक्स एंड की प्लेयर बता देता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विनिंग करने के लिए, अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो या ग्रैंड लीग खेलते हो तो ये 7 प्लेयर आपके टीम में 100% होना ही चाहिए, इसको ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना, तो वो कौन सा प्लेयर है आप आसानी से देख लो। एक आपका मोहम्मद रिजवान, डेविड वार्नर, बाबर आजम, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क और शाहीन अफरीदी, ये 7 ऐसा प्लेयर है ना जिसको आपको अपने टीम में ले करके चलना ही है, इसको ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना, क्योंकि यही 7 ऐसा प्लेयर है ना जो आपको इस मैच में एक तरफा विनिंग कराएगा। अगर बात करें मेगा जीएल के बारे में, क्योंकि अगर आप मेगा जीएल खेलते हो ना तो मेगा जीएल जीतने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रंप प्लेयर, जिस पर लोग फोकस ही नहीं करता है लेकिन वही प्लेयर आपको मेगा जीएल विनिंग कराता है, तो यहां पर मैं आपको टोटल 8 ट्रंप प्लेयर देने वाला हूं, लेकिन इसमें कंडीशन है, कब किसको लेना है वो मैं आपको बताता चलूंगा। एक आपका जोस इंग्लिश, इमाम उल हक, मार्नस लबुशचेन, जोस हेजलवुड, पैट कमिंस, हसन अली, मोहम्मद नवाज और हरी श्रॉफ, ये 8 ऐसा प्लेयर है ना जो आपको इस मैच में मेगा जीएल विनिंग करवा सकता है। अब देखो इसमें कंडीशन है, जोस इंग्लिश को तभी ट्राई करना जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट में बैटिंग करेगा और मार्नस लबुशचेन को भी तभी ट्राई करना जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट में बैटिंग करेगा और जोस हेजलवुड को तभी ट्राई करना जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट में बॉलिंग करेगा और हसन अली को तभी ट्राई करना जब पाकिस्तान फर्स्ट में बॉलिंग करेगा। तो सब मैंने बता दिया है कब आपको किसको लेना है ट्रंप प्लेयर वाले सेक्शन में। अब यहां पर मैं आपको सिंपली सी एंड बीसी का सबसे बेस्ट कंटेंडर बता देता हूं। बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के बारे में, तो अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, एकदम सेफ टीम बनाते हो, मेगा लीग नहीं खेलते हो, तो सिंपली आप डेविड वार्नर, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को सी एंड बीसी बना सकते हो, इसके साथ साथ आप स्टीवन स्मिथ को भी बना सकते हो,
समझ में आ चुका है। लेकिन अगर आप मेगा जीएल का टीम बनाते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, तो मेगा ग्रैंड लीग में आप शाहीन अफरीदी को बना सकते हो, ग्लेन मैक्सवेल को बना सकते हो, ये सब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेगा जीएल में, समझ में आ चुका है। और स्टीवन स्मिथ को भी बना सकते हो। तो ये 6 ऐसा प्लेयर है ना, इसी में आपका सी एंड बीसी निकलने वाला है, चाहे हम बात करें एससीएल के बारे में, चाहे बात करें जीएल के बारे में। तो इसी 6 में से किसी 2 को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना करके चलना है, समझ में आ चुका है। अब यहां पर मैं आपको जाते जाते अपना फाइनल स्मॉल लीग का टीम दिखा देता हूं, जो मैंने स्पोर्ट्स बाजी पर बनाया है। अगर विकेट कीपर वाले सेक्शन में देखोगे ना, तो मैंने मोहम्मद रिजवान को लिया है, और बैट्समैन वाले सेक्शन में बाबर आजम, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर को लिया है, और ऑलराउंडर वाले सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद नवाज को लिया है, और बॉलर वाले सेक्शन में मिचेल स्टार्क, शाहीन अफरीदी, हरीस रॉफ और पैट कमिंस आपको दिखेगा। अगर कैप्टन का बात करें तो मैंने स्टीवन स्मिथ को कैप्टन बनाया है, और बीसी मैंने ग्लेन मैक्सवेल को बनाया है, और मैंने सी एंड बीसी का बेस्ट कंटेंडर अभी जस्ट बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने से भी बना सकते हो। आपको अपने आप आइडिया हो गया होगा कि किसको सी एंड बीसी बनाना है। अब देखो, आपको भी पता होगा टॉस के बाद ही फाइनल टीम बनता है, तो इस टीम में जो भी चेंजिंग होगा ना, वो मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आसानी से देख लो, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना मुझे मोटिवेट करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।